हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकर सिटी किचन। आज मैं आपको चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा कप्स बनाने की रेसिपी बताऊंगी। चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा कप्स बनाने के लिए हमें चाहिए एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक टमाटर जिसके बीज निकालकर इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। आप चाहें तो अपनी मनपसंद कोई भी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। दो बड़े चम्मच टोमेटो केचप या पिज़्ज़ा सॉस, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स, ड्राई ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ब्रेड के स्लाइसिस। ये मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा कप्स बनाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम लेंगे एक ब्रेड का स्लाइस और इसे इस तरह कुकी कटर से काट लेंगे। ये देखिए राउंड। अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो आप किसी भी कटोरी या ग्लास से इन्हें काट सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी के ब्रेड को भी राउंड राउंड काट लेंगे। देखिए ये देखिए सारी ब्रेड के हमने राउंड्स काट लिए हैं और इस तरह जो ब्रेड बची है इसे वेस्ट नहीं करेंगे। इस ब्रेड को मिक्सी में ग्राइंड करके आप इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर फ्रिज में रखें और जब भी आपको कटलेट्स बनाने हो इन क्रम्स को इस्तेमाल करें। अब हम ब्रेड के कप्स तैयार करेंगे। इसके लिए एक ब्रेड का राउंड लेंगे और इसे हल्के हाथों से इस तरह पतला बेल लेंगे। ये देखिए अब इसे यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा काट लेंगे इस तरह, और इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाकर इसको इस तरह फोल्ड करके इस तरह चिपका देंगे। और ये देखिए कप तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के कप्स भी तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको एक और कप बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ब्रेड राउंड को इस तरह बेल लिया है। अगर ब्रेड ड्राई लगे तो इसके ऊपर आप इस तरह हल्का सा पानी का हाथ भी लगा सकते हैं। अब इस राउंड को इस तरह आप काट लें, ये देखिए, और इस पर थोड़ा सा पानी का हाथ लगाकर इसे अच्छे से इस तरह चिपका दें। ये देखिए कितनी अच्छी कटोरी तैयार हो गई है। आप इसी तरह बाकी के कप्स भी तैयार कर लें। ब्रेड के कप्स तैयार हैं। अब इन कप्स में भरने के लिए हम फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बोल में डालेंगे कटी हुई सब्जियाँ, हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि हम सॉस डालेंगे तो उसमें भी नमक होगा, थोड़ी सी ब्लैक पेपर कुटी हुई, थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ी सी ड्राई ऑरिगेनो और दो चम्मच सॉस। मैं सॉस डाल रही हूँ, आप सॉस या पिज़्ज़ा सॉस दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोमेटो केचप है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये फिलिंग तैयार हो गई है। इन पिज़्ज़ा कप्स को मैं अप्पम पैन में बनाऊंगी। अप्पम पैन में बनाने के लिए अप्पम पैन को मैं घी से हल्का हल्का इस तरह ग्रीस कर लूंगी। आप चाहें तो बटर या ऑयल किसी भी चीज़ से ग्रीस कर सकते हैं। अब इन कटोरियों को अप्पम पैन में रखेंगे इस तरह और इनमें फिलिंग को भरेंगे इस तरह से। और सारी कटोरियों को इसी तरह भर लेंगे। सारे कप्स में फिलिंग डाल दी है। अब इनके ऊपर हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ
मोज़रेला चीज़, ये सारे कप्स पर मोज़रेला चीज़ लगा दिया है। ये कप्स मैं अपम पैन में बना रही हूँ जिसमें 12 कैविटी हैं, लेकिन मैं इसमें 6 ही कप्स बना रही हूँ। आप चाहें तो एक बार में 12 कप्स बना सकते हैं, और ये पैन आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अब इस पैन को ढक कर गैस पर धीमी आँच पर रखेंगे और इन कप्स को 4 मिनट के लिए कुक कर लें। इस पैन को मैंने गैस पर धीमी आंच पर रखा है, अब इसे ढक देंगे और लगभग 4 मिनट के लिए इन कप्स को कुक कर लेंगे। मैं इन्हें गैस पर अपम पैन में बना रही हूँ, आप चाहें तो इन्हें ओवन में बेक भी कर सकते हैं। लगभग 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम कप्स को चेक करेंगे। ये देखिए, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और कप्स भी अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन कप्स को सर्व करेंगे। चीज़ी ब्रेड कप्स सर्व करने के लिए तैयार हैं। इन्हें मैंने गार्निश किया है चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो से। इन कप्स को बनाने के लिए मैंने कच्ची सब्जियां इस्तेमाल की हैं। आप चाहें तो इन सब्जियों को हल्का सा सौते करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन कप्स को इवनिंग स्नैक या पार्टी के स्टार्टर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। ये सबको बहुत पसंद आएंगे, बच्चों के तो ये फेवरेट हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स और सजेशंस भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।